हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 5.4 के लिए आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपकी जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है उनके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी व्हाट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सपोज करो लेट ए बी अ रियल नंबर, सो एक्सपोनेंशियल आपको किस तरह से दिखेगा, लाइक दिस, एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। तो ये हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन जब हम यहाँ पर a की जगह e डालते हैं, when a equals to e, जब हम पुट करते हैं a की वैल्यू e के इक्वल, तब हमें ये वैल्यू किस तरह से दिखती है, e to the power x, और हम इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ये क्या है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली अपने जो बुक में यूज करते हैं वो यूज करते हैं e to the power x, राइट? एंड इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e to the power x is एग्जैक्टली सेम, राइट? e के पावर में जो भी वैल्यू होगी वो आपकी एज इट इज आ जाएगी। लाइक यहाँ पर x की जगह यहाँ पर कोई फंक्शन और भी हो सकता है, लाइक साइन x हो सकता है, लाइक दिस e टू द पावर साइन x। तो अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, e टू द पावर साइन x तो आएगा ही आएगा, लेकिन वहाँ पर x था, चेन रूल की हेल्प से जब आपने वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करा x का भी, उसके एंगल का भी, तो वो वैल्यू उसने क्या दी आपको, 1, जो कि आपको वहाँ पे नहीं पता चला चेन रूल का यूज़ हुआ भी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अब सिंपल x नहीं है, यहाँ पर साइन x है, तो एक बार जो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है एक्सपोनेंशियल का, वो तो आपने लिख दिया है e टू द पावर जो भी आपका एंगल है, लेकिन एंगल अब आपका सिर्फ x नहीं है, सो डिफ्रेंसिएशन होगा एंगल का भी, दैट इज साइन x का, राइट? सो यहाँ पर जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे साइन x का, तो वैल्यू क्या आएगी, cos x। सो cos x e टू द पावर साइन x इसका डिफ्रेंसिएशन होगा कम्प्लीटली। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोनेंशियल का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कैसे होता है, राइट? सो यहाँ पर हमने जब एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन करना है तो आपको वो वही वैल्यू देता है, एंड बस आपको एंगल का ध्यान रखना है। अगर डिफरेंट एंगल है यहाँ पर एक्स के अलावा है कुछ वैल्यू, तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो वो थोड़ा सा उसका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, राइट? वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। नाउ लेट सी लॉगरिथमिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको एक वैल्यू दिख रही है, इसको बोलते कैसे हैं, तो उसको हम जैसे जैसे बोलेंगे वो मैंने आपको लिख दिया है। वी से दैट log of x to the base a equals to b। सो इसको कैसे रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं log x to the base a equals to b, ठीक है? लेकिन जब यहाँ पर e आएगा a की जगह, तो ये होगा नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ x, ठीक है? मतलब नेचुरल लॉग फंक्शन जो है आपका, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो क्या है, ये है, ठीक है? जैसे वहाँ पे एक्सपोनेंशियल का नेचुरल फंक्शन कौन सा है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, e टू द पावर x इंस्टेड ऑफ दिस, ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन का नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा है, log x टू द बेस e, राइट? और जिसको हम बोलते क्या है, log x, सिंपल log x आप बोल सकते हो, वी सिंपली डिनोट इट सिंपली बाय log x। आप उसको ये नहीं बार बार बोलते हो कि नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ x, ठीक है? एंड आप इसकी जगह आप सिंपली log x भी लिखेंगे तब भी इसका मतलब क्या है, यही है, राइट? सो चाहे आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो इसका, चाहे इसका, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एक ही, दैट इज 1/x। सो डिफ्रेंसिएशन होता है log x का 1/x, यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी वो कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में, इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। सो इसको आप क्या बोलेंगे, log x, इसको क्या बोलेंगे, log x। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। सो यहाँ पर आपके जो टू वैल्यूज मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको बताई a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन e टू द पावर x नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और हम ज़्यादातर अपनी एनसीईआरटी बुक में यही यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन दोनों का डिफ्रेंसिएशन आपको करना आना चाहिए, राइट? क्योंकि ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है? सो इसका डिफ्रेंसिएशन भी अभी मैं बताऊंगी, इसका आप देख ही चुके हो,
सेम वे log ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप देख ही चुके हैं, दैट मीन्स log x का डिफ्रेंसिएशन आप देख चुके हैं. इसी तरह से log x बेस में जो वैल्यू है a, इसका डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. तो आइए इसका और इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है ये भी हम एक बार देख लें. सो सम वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो कि आपको एज अ फॉर्मूला नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, राइट. ये आप देख ही चुके हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लाइक दिस. ई एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन, ई एक्स ही आएगा. लॉग एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स आएगा. और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई. इसका मतलब और इसका मतलब एकदम सेम ही है. और आप ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर ये वैल्यू ई एक्स है. नो, ये वैल्यू ई एक्स नहीं है. आप इसको क्या बोलते हो, लॉग एक्स टू द बेस ई, ठीक है. दिस इज डिफरेंट, यहाँ पे एक्स है, बेस में ये वैल्यू है ई, ठीक है. ये लग बिल्कुल इस तरह से रहा है लेकिन ये है नहीं, ठीक है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन एक्स. सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग, राइट. सो डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स जब आप करोगे तो उसका फॉर्मूला एकदम डिफरेंट है. दैट इज ये वैल्यू एज इट इज तो आएगी ही, साथ में आपका प्रोडक्ट में क्या आएगा, लॉग ए, ठीक है. इसी तरह से जब आप डिफरेंशिएशन करते हो लॉग एक्स टू द बेस ए, यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर बेस आपका ए है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स तो होगा ही, साथ में वैल्यू क्या आएगी, लॉग ए की. सो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर बेस, जो कि बहुत ही आपके यूज होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में या फिर पूरी होल आपकी क्लास 12 में, जो कि आपका पूरा बेस है, राइट. आपको इसको अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करना है और अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ना है. सो यहाँ पर लॉग की वैल्यू के साथ जब दोनों बेस में भी वैल्यू सेम हो और लॉग के साथ वाली जो वैल्यू है वो भी सेम हो, राइट. यहाँ पर क्या है आपका, दोनों वैल्यूज क्या है, एकदम सेम सेम हेयर, 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है. तो इस तरह से जब आपके पास लॉग के साथ वैल्यू होती है तो आपकी वैल्यू उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1. मतलब अगर आप देख रहे हैं लॉग x और नीचे भी x है, बेस में भी सेम वैल्यू है जो यहाँ पर है, तो आप उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, ठीक है. सपोज log a है और बेस में भी a है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 1. तो इसी तरह से log 1 अगर लिखा हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 0. सो यहाँ पे फिफ्थ रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर log में आपके पास एक्स वाई लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में कोई वैल्यू अगर आ जाती है तो आप उसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, log x प्लस log y. सिमिलरली log अगर डिवाइड फॉर्म में आपके पास कोई वैल्यू है उसके साथ तो आप उसको स्प्लिट करके माइनस की फॉर्म में लिख सकते हो, log x माइनस log y. इसी तरह से अगर log में कोई पावर इस तरह से आती है, सिमिलरली log के साथ कुछ इस तरह से वैल्यू है, सपोज x तो है लेकिन उसके साथ में कोई पावर है. अब n मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि आपके पास कोई भी पावर हो सकती है, a b c n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ये वाली जो पावर होगी कोई भी हो, यहाँ पर हो सकता है log x क्यूब हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर जो है आगे आ जाएगी, log x एज इट इज़. तो बस यहाँ पे जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि आप इन वैल्यूज़ को किस तरह से और अनदर वे से कैसे लिख सकते हो. सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट रिजल्ट, अगर आपके पास log x टू द बेस a वैल्यू है और आप चाहते हो कि आपका जो a है वो x की जगह आ जाए और आप चाहते हो जो x है वो a की जगह आ जाए, तो उसको आप विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट कैसे रिमूव कर सकते हो, मतलब कैसे शफल कर सकते हो, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो. आपको क्या करना है कि 1 लिखना है डिवाइड बाय log x, अब नीचे आ गया है a, उसकी जगह आ गया है x की जगह. सो जब भी आपको ये वैल्यूज चेंज करनी होंगी तो आप क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट, सो अगर सपोज यहाँ पे b वैल्यू है, यहाँ पर a है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log b डिवाइड बाय log a.
ठीक है। 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मिसलेनियस एग्जाम्पल में भी आपका कहीं ना कहीं यूज होगा आगे जाके, जो कि मैं आपको बताऊंगी। सो नाउ लेट्स सी सम सॉल्व एग्जाम्पल्स फॉर एक्सरसाइज 5.4। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो आपके पास वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू दिस, ठीक है। आपके पास कोई भी अगर वैल्यू आती है और उसका नेम नहीं दिया हुआ है तो आप उसको नेम दे सकते हो y, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपके पास dy by dx हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन आप इसका करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी टर्म का होगा, एंड यहाँ पर सिंपल x नहीं है, यहाँ पर उसके एंगल में माइनस x है, तो डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आपको माइनस x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। बिकॉज अगर डिफरेंशिएशन ex का करना होता तो सिंपल ex आ जाता, और साथ में अगर चेन रूल लगाते भी एंगल का तो वो आपको अल्टीमेटली वैल्यू क्या देता, 1 ही। लेकिन यहाँ पे एंगल डिफरेंट है तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है माइनस एक्स का भी। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल सेम एज इट इज़ आएगा, जो एंगल है आपका बन रहा वो एज इट इज़ आ जाता है, एक्स है तो एक्स आएगा, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज 1। सो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आपकी वैल्यू आई है। नाउ लेट सी सेकेंड एग्जाम्पल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे आप पूरी टर्म का, दैट इज साइड में जो भी एंगल आ रहा है उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एंगल एज इट इज। नाउ एंगल डिफरेंट था तो आपको उसका भी डिफरेंशिएशन करना था, तो यहाँ पर आप जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लॉग एक्स का, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। सो यहाँ पर 1/x आ जाएगा। सो फाइनल वैल्यू क्या है आपकी, cos log x डिवाइड बाय x। नाउ लेट सी थर्ड। सो यहाँ पर y इक्वल्स टू cos इनवर्स में एंगल जो है सिंपल x नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x का आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज 1/√1 − x², राइट। सो ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x का, तो लेकिन यहाँ पर एंगल डिफरेंट है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी टर्म का होगा, देन डिफरेंशिएशन उसके एंगल का। सो कॉस इनवर्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सो जहाँ पर एक्स है उसका आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट में 1 − x नहीं है, यहाँ पे ई एक्स है, तो जैसे यहाँ पे x की जगह उसका स्क्वायर आया ऐसे ई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज अगेन एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर cos x, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन इस पूरी टर्म का तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर सिंपल x नहीं है तो इसके एंगल का भी विद द हेल्प ऑफ चेन रूल डिफरेंशिएशन होगा। सो यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन करेगा सेम एज इट इज आएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। सो जो फाइनल आंसर आपका आया है लाइक दिस। सो एक्सरसाइज 5.4 की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ध्यान से देख सकते हैं एंड अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज एक्सरसाइज 5.4 में जो है आपकी सिंपल, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ई एक्स का एंड डिफरेंशिएशन अगर आता है लॉग एक्स का, तो वो आपकी एक्सरसाइज इजीली कंप्लीट हो सकती है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।